साहब मैं गजब से आया है, मैं कर के लिए साहब मैं बेगार है। उस दिन साहब को दरख्वास्त दिया था, एक दरख्वास्त साहब के लिए गया था, साहब ने मेरा लंबार भी उठा के साहब ने खुद एक दरख्वास्त जमी के उसके बाद साहब साहब इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद जाके उधर साहब का तकरीबन एक महीना 10 दिन हो गया मेरी दरख्वास्त कुछ पता नहीं। उस दिन मैं उस रास्ता में रोका, रोक के साहब ने कल नहीं परसों को मुझे ट्रेन दिया था मंडे चाक इधर मेरा साथ हो करके 5,000 रुपये जेत निकाल के देखे। कल ने परसों को ट्रेन दिया था साहब इधर आके 5 दिन दिया इधर में बैठने कुछ नहीं, किसी को हंद को नहीं पूछा। ये माजूर जमात ये बीवी को लेकर हम रोटी नहीं मिलता है, कभी चाय नहीं मिलता है, घर उधर दूर है, नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है। एक बच्चा लेके इधर माजूर बीवी को लेकर साहब के गेट में कुछ भी कौन मुसलमान बन रात उधर गुजार एक बंदा के साथ उधर गुजारा साहब उधर में उधर इधर होटल 2 दिन होटल में गुजारा आज एक रात उधर बंदा उधर अच्छा बंदा उधर हमने घर में गुजारा। ये तक आपकी मुलाकात जब वजीराला से हुई थी आपको पैसे कितने दिए? 5,000 रुपये दिया सर, 5,000 रुपये वजीराला साहब ने दिया और मेरी दरख्वास्त मंडा छा के इधर आओ मेरे पास आओ करके मेरी दरख्वास्त आपने हाथ ला साइन भी करके 5,000 रुपये मुझे दे के गया। चार दिन गया इधर बैठा है कुछ नहीं। मेरी वार्डम साहब यह तकलीफ है, वार्डम साहब ये रोटी का भी मिलता मकान की जगह हम इतनी इंच जमीन भी नहीं है, हमारा मकान भी नहीं है, लोगों का मकान हम रहता है, लोग एक निकालते हैं दूसरा निकालते हैं, हमें कब्र का जगह भी नहीं है। मैडम साहब ये हालात जाते हैं, माजूर बीवी है, 2-3 बच्चे हैं, रोटी खाने के लिए नहीं मिलता। मैडम साहब ये इस तरह ये हालात चलते हैं, अल्लाह ताला कयामत की इज्जत दे। आप क्या मुतालबा लेके आए? मैं इसका मुतालबा मकान के लिए मेरा कुछ मकान का पैसा देता मैम, आपने मकान की जगह ले तो मकान का कुछ थोड़ा मकान जगह के लिए थोड़ा पैसा देते हैं करके ये मुतालबा करके आया मैडम साहब।